भाई साहब, भाई साहब क्या हुआ बताइए। भाई साहब क्या हुआ? भाई साहब प्लीज साइड में। छाती पे जो पेंट है वो अभी भी गीला है, मतलब जिसने भी ये किया है अभी अभी किया है। मगर सर पेंट से सीआईडी क्यों लिख दिया? लगता है खूनी सीआईडी को चैलेंज करना चाहता है। इस आदमी ने मरने से पहले कुछ बोला था? नहीं सर, ये लड़खड़ा कर चल रहा था और काफी बीमार और कमजोर लग रहा था। चल फिर नहीं पा रहा तो तू फिर यहाँ पर पहुंचा कैसे? हो सकता है खूनी इसे यहाँ पे गाड़ी वाड़ी में डाल के लाया होगा। ये पहले तो नहीं थे, ये कैसे? मैं भी यही सोच रहा हूँ। इसकी ऑटोप्सी करनी पड़ेगी तारिका। तारिका प्लेटफॉर्म 5 एंट्री डॉट लेके आओ जल्दी। मैं बहुत फास्ट सर। अब तीनों को ही एंटीडोट लेना बहुत जरूरी है। अरे कहाँ के? ये क्या हो? भाग जाओ, भाग जाओ। क्यों? मैं बताऊंगा बाद में, तुम बाहर चले जाओ प्लीज। चलो यार, हुआ क्या लेके? मैं बताता हूँ, बाहर जाओ प्लीज। यार देख, क्या हो रही है आदमी को? क्या हो सकता है? बंद करो, बंद करो। क्या हुआ? बॉस, जल्दी से लैब को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अरे लेकिन क्यों, ये तो बता। बॉस, इस आदमी के शरीर में एक बहुत ही खतरनाक किस्म का रेट्रोवायरस है, जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर के सारे पार्ट्स गल गए। और ये वायरस इतना खतरनाक है कि किसी भी जिंदा आदमी में बहुत आसानी से फैल सकता है। हमने भी एंटीडोट लिया है। इतना खतरनाक वायरस? हाँ बॉस, प्लेग से भी ज्यादा खतरनाक। मगर सर ये खतरनाक वायरस शरीर में आया कहाँ से? सचिन, ये तो तभी पता चल जाएगा जब हम इस आदमी के बारे में पूरा पता लगा लेंगे। बॉस, एक सुराग मिला है जिससे पता चल सकता है। क्या? उस आदमी के नाखूनों में मुझे एक किस्म का केमिकल मिला है। कैसे केमिकल सर? ऐसा केमिकल जो इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री में इस्तेमाल होता है। केमिकल जो इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री में इस्तेमाल होता है? इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री? तो कहीं ये आदमी किसी इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री में काम तो नहीं करता था। पता लगाना पड़ेगा जहां पर इस आदमी की लाश मिली थी वहां आसपास कोई इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री है क्या। निखिल, कुछ पता चला सबसे नजदीक लॉन्ड्री कौन सी है? सर, इस मैप के मुताबिक जो लॉन्ड्री सबसे नजदीक है वो सर वो फूलवाड़ी में है। फूलवाड़ी? हाँ सर, वो आदमी जो हमें मिला था वो एरिया भी तो फूलवाड़ी है ना। हाँ, और वो जगह यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो सबसे पहले फूलवाड़ी में जाके पूछताछ करते हैं। अब जी, डॉक्टर सालुंकर ने कहा था कि वो सियाही किसी नॉर्मल लॉन्ड्री की नहीं है, इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री की है, जहाँ पे फैक्ट्री और मिल्स के कपड़े ड्राई होते हैं। फूलवाड़ी में जितनी भी इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री है सबको छान मारेंगे। इस आदमी को पहचानते हैं? ये तो अपना अजय है, मगर क्या हुआ इसे? इसकी मौत हो गई है। क्या मौत? मगर कैसे? हम भी वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आप अजय के बारे में क्या जानते हैं? खास तो कुछ नहीं साहब, क्योंकि वो सिर्फ 6 महीने से हमारी लॉन्ड्री में काम करता था। 6 महीने में कम से कम उसके स्वभाव के बारे में तो पता चल ही गया होगा ना आपको? साहब, स्वभाव से बहुत ही गुस्से वाला था, गुस्सा तो हमेशा उसके नाक पे धरा रहता था। एक दिन की बात है, ये
अरे अजय, ये लॉकेट तो तेरा है ना? ये मेरा लॉकेट है, मुझे वापस दे। दे देंगे भाई, दे देंगे, जरा देख तो ले इस लॉकेट में फोटो किसका है। देख, ज्यादा नाटक मत कर, मेरा लॉकेट वापस दे दे, वरना 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 क्या? मेरा लॉकेट ले जा, छोड़ दे। क्या कर रहा है? आज के बाद मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, वरना। इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा? हाँ हाँ साहब, हो सकता है उस लॉकेट में उसके अतीत का कुछ अंदाज छुपा होगा। उसके बारे में कोई ऐसी बात जो कुछ अजीब हो? साहब, और तो ऐसा कुछ पता नहीं, लेकिन एकदम चुपचाप सा रहता था। कुछ याद है, कहाँ आता जाता था, कभी कोई जिक्र किया हो? हाँ सर, कई बार मैंने उसको अंधेरी ईस्ट के लिए लिफ्ट दी थी। अंधेरी ईस्ट? वो अंधेरी ईस्ट पे रहता था? पता नहीं साहब, मगर हर शुक्रवार को अंधेरी ईस्ट जाता था। तो आप लोगों ने पता लगाने की कोशिश नहीं की? की थी साहब, मगर उसने कुछ बताया नहीं। एक बार बोल रहा था कि आज मैं लेट हो जाऊंगा, और अगर अपॉइंटमेंट कैंसिल ना हो तो बहुत अच्छा है। ये कहाँ, अंधेरी में कहाँ छोड़ते थे उसे तुम? साहब, तेली गली के सिग्नल पर। तेली गली? क्या हुआ? पानी, पानी। अरे पानी ना उसको। अरे यार, पानी फिर गया मेरी पूरी मेहनत पे, पूरे एक्सपीरियंस पे पानी फिर गया। क्या क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है, बता जल्दी। अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझता था, 30 मार्क का समझता था ना, वो जानलेवा वायरस के बारे में जरा नहीं पता लगा। अरे तो क्या हुआ, कोशिश करना, मिल जाएगा, ऐसे हथियार मत डाल यार, लेकिन जल्दी कर। नहीं, तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। हमें नहीं, मुझे पार्सल दे दो। मैंने बोला ना। रेडिक, क्या हो रहा है उधर? सर, बीटीवी न्यूज चैनल से रिपोर्टर आए हैं। किस लिए? आपके लिए एक पार्सल देने आए। पार्सल? हाँ सर, इनका कहना है कि इनकी ऑफिस में कोई अनजान आदमी आपके लिए एक पार्सल छोड़ के गया है। लेकर आ। आइए। सर, ये आपके लिए पार्सल। और सीआईडी सिर्फ एसीपी प्रद्युमन के लिए। प्यार भरा तोहफा। सर, क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है इस पार्सल में? कहीं आपके दुश्मन की चाल तो नहीं? सर, कहीं कोई बड़ा नेता आप पर किसी केस को लेकर दबाव तो नहीं डालना चाहता है? देखिए, जब तक इस पार्सल में क्या है पता नहीं चलता, मैं आपसे क्या कहूँ। मगर एक बात है, इससे पहले कि हम ये पार्सल खोले, हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई डेंजरस चीज तो नहीं, कोई एक्सप्लोजिव वगैरह। इसलिए आप लोगों को। तो क्या आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं? जी हाँ, प्लीज आप लोग बाहर जाइए। चलिए चलिए, चलिए चलिए। क्या हो सकता है इसमें? संभल के देखो जरा। जा, कनेक्ट करके देखते हैं। नमस्कार एसीपी प्रद्युमन, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप ठीक नहीं हो, क्योंकि हमने आपके रातों की नींद जो उड़ा दी है। आपको परेशान करने का मजा ले रहे हैं हम। सर, लगता है ये वही गुनहगार है जिसने उस बेचारे के शरीर में जानलेवा वायरस इंजेक्ट किया है। ना 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 ना, चेहरा ना देखना, चेहरे ने लाखों को लूटा। चेहरा तो मैं डॉक्टर सालुंके का देखना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये पता नहीं लगा पाए होंगे कि ये वायरस बना कैसे है।
सबको पहचानता है सर ये? एसपी साहब, ये इतना खतरनाक वायरस है, एक आदमी 10 को मारेगा, 10 50 को, और 50 से हजारों लोग मौत के नींद सो जाएंगे, क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं बना। और आज जो आपने देखा वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो ये है। प्रद्युमन सर, मैं इन 6 कैदियों को अपने कैद में रखना नहीं चाहता। हर एक घंटे में मैं इनको एक एक करके छोड़ दूंगा, लेकिन इनके शरीर में जानलेवा वायरस इंजेक्ट करने के बाद। प्रद्युमन सर, अगर आप इन सबको जिंदा छुड़वाना चाहते हैं तो मेरे साथ एक छोटा सा गेम खेलना होगा। गेम का नाम है पूछो तो जाने तो हम आपको असली CID माने। मुंबई दर्शन करवाऊंगा मैं आपको, मुंबई के अलग अलग जगह पर मैंने आप लोगों के लिए अलग अलग 6 सुराग रखे, 6 सुराग। जैसे ही आप पहले सुराग की गुत्थी को सुलझाएंगे, मैं पहले कैदी को बिना वायरस इंजेक्ट किए आजाद करूं, और अगर 6 के 6 सुराग वक्त से पहले आप सुलझा पाए तो सभी कैदी आजाद हो जाएंगे। है ना कमाल का गेम? ट्रेजर हंट। नो 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 नो, मुंबई हंट। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कैदी को वायरस इंजेक्ट करूंगा मैं ठीक 11 बजे, तो ध्यान रहे। सिर्फ 1 घंटा बाकी है, 10 बजे है। और आपके पहले सुराग की पहली कड़ी है ये 313 MCMXI Pigeons। सर इसका क्या मतलब है? 313 MCMXI। Pigeons, कबूतर। 313 MCMXI। सर ये तो रोमन लैंग्वेज है। M 1000, CM 900, X 1 11. इसका मतलब 1911. अभिजीत, कहीं कोई जगह या कोई बिल्डिंग तो नहीं है जो 1911 में बनी होगी? 1911 में बनी बिल्डिंग जहां पे कबूतर आते हैं? हाँ, 313 31 313 31 तारीख, तीसरा महीना, 31 मार्च 1911 में बनी कोई बिल्डिंग। 1911 ब्रिटिश राज में तो सर बहुत सारी इमारतें बनी थी मुंबई में। हाँ, 31 मार्च 1911 कबूतर। क्या गेटवे ऑफ इंडिया? सर 31 मार्च 1911 को गेटवे ऑफ इंडिया बनना शुरू हुआ था, और वहां पे कबूतर भी है। मतलब हमारा पहला सुराग मिल गया, गेटवे ऑफ इंडिया। सिर्फ 45 मिनट है हमारे पास, जल्दी जाओ तुम लोग गेटवे ऑफ इंडिया।
इंडिया, पहली कड़ी तो आगे थे आप। अब ढूंढो दूसरी कड़ी, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट। सर इतनी भीड़ में उस सुराग को ढूंढना काफी मुश्किल है सर, हमें तो ये भी नहीं पता है कि वो सुराग कोई चीज है कोई इंसान। अगर पता होता तो इतना टेंशन ही नहीं होता। उस तरफ तो समंदर है, जो भी होगा इसी तरफ होगा, यही ढूंढते हैं। और एक काम करते हैं, अगर किसी को भी कोई आपत्तिजनक चीज या आदमी दिखे तो एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, चल जाओ चल जाओ। आते हैं इस तरफ आ जाओ। किधर? फुटपाथ पे। ओके ये देखो। क्या हुआ भाई, क्यों अंधे को धक्का मार रहे हैं? मैंने धक्का नहीं मारा आपको, मुझे आपकी पीठ से ये कागज चाहिए था। कागज? कौन सा कागज? मुझे तो कुछ नहीं पता। चलिए वोट डालो। 2654 तो बच गया। ऐसी मुस्कुराहट जो सोने की पहाड़ी में मिलती है। अब ये क्या पहेली है? सर अब इसका क्या मतलब हो सकता है? इसे पूछते हैं। चलो एक बात बताइए, ये कागज आपकी पीठ पे किसने चिपकाया है? कागज? कौन सा कागज? मुझे तो कुछ नहीं पता। अच्छा, किसी ने आपको धक्का मारा मेरी तरीके से कहीं कहीं कोई भीड़ भाड़ में? धक्का तो नहीं मारा, हाँ पीठ थपथपाई थी और फिर 100 का नोट देकर बोला ऐश करो और चला गया। ओ, तो पीठ थपथपाने के बहाने ये कागज चिपका गया इसकी पीठ पे। गोंद अभी भी चिपक रहा है, इसका मतलब 1-2 मिनट पहले चिपकाया होगा। यानी वो आदमी यही कहीं आसपास होना चाहिए। अच्छा, और कुछ खास बात याद है? मतलब उसकी उसकी आवाज, उसके पास से कोई खुशबू आ रही हो, कोई खास खुशबू? खुशबू तो नहीं, पर उसकी मोबाइल की घंटी बड़ी अजीब थी, बिल्कुल शैतानों जैसी हंसी थी। तुमने उसकी बातें सुनी? क्या बात कर रहा था? बात तो नहीं की थी, मोबाइल की घंटी बजती रही और वो चला गया। शैतान की हंसी की घंटी? वहां से
कुछ पता चला सालूम के साहब? अरे पता चलता तो बताता नहीं क्या? उर्दू मनी है तो हर कोई एसीपी बन रहा है। अरे सालूम के साहब गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्या ऐसे? अरे सर वो काफी टेंशन चल रही है, किसी चक्कर में पूछ लिया। टेंशन मुझे भी है सचिन, समझे? टेंशन मुझे भी है, क्योंकि इस आदमी के चेहरे पर एक नहीं दो दो चमड़ियां हैं। एक और चमड़ी मतलब सर? दो दो चमड़ियां मतलब एक चमड़ी के नीचे दूसरी चमड़ी भी है। मतलब समझते हो इसका? इसका मतलब ये है कि इस आदमी ने कभी अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। क्या प्लास्टिक सर्जरी? हाँ, और ऐसा इंसान तभी करता है जब वो अपनी पहचान बदलना चाहे। लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि इस आदमी की असली पहचान क्या है? सर अंधेरी जाकर पता लगाए। क्यों अंधेरी क्यों? सर वो इसलिए क्योंकि अजय जहाँ काम करता था वहाँ उसके दोस्तों ने बताया था कि अजय का हर शुक्रवार को अपॉइंटमेंट होता है अंधेरी ईस्ट में, तो हो सकता है ये प्लास्टिक सर्जन वहीं हो। सर नहीं मिला सर। इतनी जल्दी हवा कहाँ? इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है? सीआईडी हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त होशियारी दिखाओगे। ध्यान रहे तुम इस समय सिर्फ कठपुतली हो और तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है, और अगर आइंदा दोबारा ये होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो इन कैदियों के साथ साथ तुम्हारी भी लाशें मुंबई पुलिस को मिलेंगी। आई बात समझ में? एक बार हाथ में तो आ जा, फिर बताते हैं तुझे कौन कठपुतली है और कौन कटी पतंग। नजर रखे हुए हम पे। हाँ अब जल्दी से जल्दी ये दूसरी पहली सुलझानी होगी। ऐसी मुस्कुराहट जो सोने की पहाड़ी में मिलती है। ऐसी मुस्कुराहट जो सोने की पहाड़ी में? सोने का पहाड़ मुंबई में कहाँ है? वो भी हंसता हुआ सोना। बॉस को समझ में नहीं आ रहा अगर ये मुस्कुराहट को दे। हाँ अगर ये मुस्कुराहट ये मान ले यहां से शुरू होती है और यहां खत्म होती है, ये बहुत सारा सोना, हंसता हुआ सोना मतलब बहुत सारा सोना। बहुत सारा सोना पैसे वालों के पास होता है। पैसे वाले लोग शहर में कहाँ रहते हैं? सर इस एरिया में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग मालाबार हिल में रहते हैं। करेक्ट, मालाबार हिल। अगर मालाबार हिल को यहां माने तो ये मुस्कुराहट ये घूमती हुई क्वींस नेकलेस के तरीके से यहाँ पे खत्म होती है मरीन ड्राइव पे। हाँ भिजी, ये स्माइली का आकार मरीन ड्राइव का ही है। चलो वहीं चलते हैं। अगला क्लू मरीन ड्राइव। जी हाँ ये अजय, मैंने इसे प्लास्टिक सर्जरी करके नया चेहरा दिया था। लेकिन इस अजय ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई क्यों थी ये बताना तो मुश्किल है। अक्सर लोग अपने नेचुरल चेहरे से खुश नहीं होते, इसे नया चेहरा पाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी के लिए आते हैं। अजय के पुराने चेहरे की फोटो तो होगी ना आपके पास, हम लोग देख सकते हैं प्लीज? जी आइए। ये देखिए ये रही तस्वीर। अरे ये तो हमारा खबरी भीखू है। लेकिन हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक 3 साल पहले भीकू की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। रेडी, मरने के डर से इसने मरने का नाटक किया था। और सर ऐसे इसने क्यों किया होगा? हो सकता है इसकी जान को खतरा हो उन गुनहगारों से जिसकी इन्फॉर्मेशन इसने हमें दी थी। लेकिन सर भीकू ने तो हमें कई सारे अपराधियों के बारे में खबर दी थी। वही तो फ्रेडी, एक काम करो इन सारे अपराधियों की लिस्ट निकालो, हो सकता है हमारा असली खूनी इन्हीं में से कोई हो। सर अब तक मेरे ड्राइव पे 4 किलोमीटर आ गए सर, अब तक वो क्लू नहीं दिखा सर। टैफ कितना टाइम बचा है? 12 मिनट अभी जी, मुझे पता नहीं था ये मुजरिम इतना शातिर होगा। ये स्माइली
अगला क्लू स्माइली ही है। अच्छी तरीके से देखते हैं चारों तरफ। दया। हाँ? वो स्माइली। क्या बात है, बास की नजर है तुम्हारी। अरे इस पे तो कुछ लिखा नहीं है। गाड़ी के अंदर देखते हैं। ओह ये देखो दया, देखा गाड़ी में बैठो और आगे बढ़ते रहो। वैसे भी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बैठो अंदर। चलो जल्दी। गो स्ट्रेट फॉर द नेक्स्ट 3 किलोमीटर। सर लगता है इस खूनी ने इस जीपीएस में हमारे लिए सारे इंस्ट्रक्शन फीड कर रखे हैं कि हमें कहां जाना है। हम अगर खूनी खुद ये क्लू सॉल्व करने में हमारी मदद क्यों करेगा? देखते हैं कहां पे है मंजिल। चलते हैं आगे। After 200 meters, take the first right. Go straight for the next 500 meters. You have reached your destination. वोरा स्माइली, वोरा। ये क्या? सर दरवाजा तो अपने आप लॉक हो गया सर। दरवाजा लॉक? दरवाजा खुल क्यों दे रहा? जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तुम्हें लगा कि ये गेम बड़ा आसान होगा, क्यों? जल्दी सर, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं सर। कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करो, उठाओ इसे, उठाओ इसे। लाओ निकल। अभिजीत हट जाओ, हट जाओ। पानी तो है मगर लेकिन कोर्ट का है सर। हाँ सर, सर यहाँ पे है सर। टाइप करो, जल्दी पंच करो। 9 8 4 5। एक और आदमी बच गया। सही टाइम पे दया तुमने कार का दरवाजा खोल दिया, वरना बच जाते। 2 सेकंड बचे थे सर, वरना वो आदमी बच नहीं पाता सर। अरे लेकिन अभी काम बहुत बाकी है। अगला सुराग है सफेद झाड़ी का व्यापार। सफेद झाड़ी? मुंबई के अंदर आज तक यार सफेद झाड़ी का नाम नहीं सुना मैंने। अभिजीत हो सकता है कि झाड़ियां सफेद ना हो बल्कि उसके ऊपर उगने वाली चीज सफेद हो। मतलब कोई ऐसी सफेद चीज जिसका व्यापार होता है। हाँ, यानी के रुई कॉटन। सर यहाँ पास में बहुत बड़ा कॉटन मार्केट है सर, कॉटन एक्सचेंज। लो क्या बात है, ये क्लू तो हमने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया। अब जल्दी जल्दी वहां पहुंचना होगा। चलो जल्दी। अभिजीत सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। अगर हमने अगला क्लू नहीं ढूंढा तो उस आदमी की जान को खतरा हो सकता है। सिर्फ वही आदमी नहीं दया, वो आदमी जिन जिन लोगों से मिलेगा वो जानलेवा वायरस सबकी जान ले लेगा। हाँ
और बॉम्बे का सबसे बड़ा कॉटन मार्केट यही है। सिर्फ 25 दिन बचे हैं हमारे पास अगला क्लू ढूंढने के लिए। चारों तरफ फैल जाते हैं, देखते हैं। तो कुछ नहीं है सर। यहाँ तो कुछ नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरी मार्केट में हो? मतलब हम लोग गलत मार्केट में आ गए? हो सकता है। मरीन ड्राइव के पास एक बड़ा मार्केट है, तो खूनी ने सोचा होगा सबसे पहले हम यहाँ आए। इतनी आसानी से वो खूनी हमें अगला क्लू नहीं देगा। सर कालवा देवी के उस तरफ भी एक कपड़े का बाजार सर, लेकिन वहाँ पहुँचने में हमें तकरीबन 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट? हमारे पास 15 मिनट है। मतलब वहाँ पहुँचने के बाद हमारे पास वो क्लू ढूंढने के लिए 5 मिनट है। देखा जाएगा, चलते हैं। से 12 मिनट बचे थे। सर सिर्फ 7 मिनट बचे हैं सर। वो आगे से राइट शॉर्टकट रहते हैं, वहीं से ले लेते हैं। मार्केट में मिलेगा वो हमारा अगला निशान। अभिजीत सिर्फ 1 मिनट बचे हैं हमारे पास। सर समय निकल जा रहा है सर, अब तक वो सुराग नहीं मिला। सर सिर्फ 40 सेकंड बचे हैं। मैं तो कुछ नहीं लिखा है। कोड डैश कोड कोड ढूंढो कोड। सर हाँ सर, वो कोड वाली पर्ची मिल गई। हा? सर पर्ची मिल गई सर। सर ये इतना लेकर तुझे काम कर, जल्दी बस करो सर। 4539 और 2 बार कामयाबी मिलने के बाद टीआईडी की टीम 3 सेकेंड से हार गई। तीनों मिलकर कुछ नहीं कर पाए। 1 विकेट डाउन। अफसोस थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जिस कैदी में जानलेवा वायरस इंजेक्ट किया गया है वो बाहर जाकर 25-50 लोगों से मिलेगा और फिर इस तरह यह जानलेवा वायरस फैल जाएगा धीरे धीरे, हौले हौले हो जाएगा वार बलिए, हो जाएगा वार धीरे धीरे, हौले हौले हो जाएगा वार बलिए, हो जाएगा वाह। इसी बीच आपको इन्फॉर्म करता हूं। सॉरी सर, हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम
हम तीसरे आदमी को नहीं बचा पाए सर। सर खूनी ने वायरस इंजेक्ट कर दिया उसमें। नहीं नहीं सर, कुछ पता नहीं चल रहा वो आदमी कौन है और शहर के किस हिस्से में। सर अगर जल्दी उसको पकड़ा नहीं गया तो सारा मुंबई शहर तबाह हो जाएगा सर। हाँ सर, चलो जरा होटल चलते हैं। अर्जा सुनिए। यस सर। ये स्माइली आपके होटल के बाहर किसने लगाया आपको मालूम? इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं। अरे एकदम बारी लगाया था, कोई आदमी यहाँ पे आया हो अभी। ऐसा है सर, ये होटल है दुकान नहीं, बाहर कौन लगा दिया होगा इतना आइडिया नहीं रहता साहब। सर सॉरी सर, सब मेरी वजह से हुआ सर। शांत हो जाओ निखिल, तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये सब छोड़ो, पहले देखो ये क्या है। अगला क्लू, सोने के सिक्के जो है खास, सूखे पत्तों पर इतिहास, नक्शों का ढेर, जहां मिले काला घोड़ा और दो शेर। सोने के सिक्के, सूखे पत्ते, इतिहास, घोड़ा और शेर। सर मुझे किसी जंगल के पास किले का ठिकाना लग रहा है। नहीं नहीं जंगल नहीं, लेकिन यहाँ पे किला तो है, पुराना किला, फोर्ट एरिया दया, और वहाँ पे घोड़ा भी है, काला घोड़ा। वहां से 2 किलोमीटर आगे वो दो शेर है, लायंस गेट। मतलब ये जो क्लू है वो इसी एरिया के आसपास का है। और सर ये सोने के सिक्के, रिजर्व बैंक, सूखे पत्तों का इतिहास, हिस्ट्री, किताबें दया, एशियाटिक लाइब्रेरी। चलो, उन्होंने तीसरे कैदी को भी छोड़ दिया, लेकिन वो जान लेवा वायरस इंजेक्ट करने के बाद सचिन उस बेचारे को पता भी नहीं होगा कि वो चलता फिरता बॉम्ब बन गया। हाँ सर, वो आदमी अब जहाँ जहाँ जाएगा उन्हें इन्फेक्ट करेगा। भाई तो सर हम उस इन्फेक्टेड आदमी को ढूंढेंगे कैसे? हाँ सर, खूनी बहुत चालाक है, उसने सभी कैदियों के चेहरे नकाब से ढक रखे थे। हाँ सर, और हमने उस इन्फेक्टेड आदमी को और बाकी कैदियों को तो देखा भी नहीं। तो फिर उन्हें कहाँ ढूंढेंगे हम? हाँ मगर ढूंढना तो पड़ेगा सचिन, और हम ढूंढ कर निकालेंगे। एक काम करो, सारे पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट मंगवा लो मिसिंग पर्सन्स के, और जल्दी। हाँ सर, हो सकता है खूनी ने उन्हीं कैदियों में से किसी को बंधक बना के रखा हो। आप रेडी? इसीलिए अगर वो आदमी आम लोगों में घुल मिल गया ना, तो पता नहीं हजारों लोगों की जाने उस जानलेवा वायरस की चपेट में आ जाएगी। अरे यार, इस टेम्पो को भी यही खराब होना था। यहाँ तो दूर दूर तक आत्माएं भी नहीं भटकती होंगी, कितना घना जंगल है, क्या करें अभी? वो देख यार, case files content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.